सर आप अपने लिए खुद को बदल रहे हो उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपने लिए खुद को जितना बदल लीजिए, अगर आप अपने अच्छे के लिए बदल रहे हैं कि आपके लुक वाइज आप अपने आप को बदल रहे हैं, अपना नेचर के लिए बदल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि इंसान को हमेशा खुद को अपडेट करना पड़ता है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप किसी के लिए अपने आप को अपडेट कर रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। मतलब आप किसी के लिए अपने आप को अपडेट मत करिए, आप जैसे हो आप वैसे बहुत अच्छे हो। आप किसी के लिए एक आदत छोड़ोगे, दो आदत छोड़ोगे, तीन छोड़ोगे, आखिर कितना छोड़ोगे? एक दिन आएगा कि आप पूरी की पूरी आदत छोड़ दोगे और वो आपको छोड़ के चला जाएगा। तो ये चीज़ अच्छा नहीं है कि आप अपने किसी के लिए अपनी आदत को छोड़ें या अपने आप को बदलें, क्योंकि आप जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट करे ना कोई। क्यों, कोई भी प्यार मोहब्बत कुछ भी चीज़ होता है किसी को चेंज करके नहीं होता है। बोलते ना ट्रू लव तो वो है जिसका तो मतलब स्लीपर से भी प्यार हो जाता है। एक कहावत है कि अगर आपको सच्ची मोहब्बत है किसी से तो आपको तो उसकी मतलब स्लीपर से लेके बोला चाहिए उसके टूथब्रश से भी प्यार रहेगा, वो है सच्ची मोहब्बत। तो आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट करोगे और वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करोगे जैसे आप हो। लेकिन किसी के लिए, किसी को खुश करने के लिए अपने आप को चेंज मत करिए। और अगर कोई कहता है कि तुम ये चीज़ चेंज करो तो ये तो एक बार सोचिए क्या वाकई में आपने ये बुराई है। अगर बुराई आपको लगता तब आप वो चीज़ करो, नहीं तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई चेंज करके किसी से खुश करने के लिए अपने आप को चेंज कर सकते हैं। आखिर कितना दिन आप अपने आप को बदल के रह सकते हो? नहीं रह सकते ना। आखिर दिखावा कितना दिन चलेगा? एक महीना, दो महीना, तीन महीना, साल भर, उसके बाद तो अपने में आ ही जाना है सबको। तो जैसे वैसे रिप्रेजेंट करिए, हाँ मैं ऐसी हूँ। किसी के लिए कभी किसी को अपने आप को मत दीजिए। मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो एक वक्त जब ऐसा आएगा कि जब वो इंसान ही आपको पूरा पूरी तरह से बदल के खुद चला जाएगा, तब क्या करेंगे? तब अपने आप को आप खोजते रहेंगे कि मैं कहाँ हूँ, मैं कैसे था या कैसी थी और कैसी हो गई। होता है ना ऐसा स्टेज आता है ना लाइफ में जब हम सोचते हैं कि ऐसे तो हमने नहीं थे जैसा आज हो गए हैं। क्योंकि एक चीज़ ही ऐसा है कि जिसमें हम अपने आप पूरा बदल देते हैं, लेकिन बदलने के बाद भी हमको कुछ नहीं मिलता है। हम सिर्फ सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इतने दिन की मोहब्बत में हम लोग को मिला क्या, हमारी गलती क्या थी। ये हम सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि हम तो अपने नज़र में जैसे कल थे वैसे आज है। हम तो बदले ही नहीं ना, सामने वाला इंसान बदल गया तो आप क्यों बदलोगे भाई किसी को? जैसे हो बहुत अच्छे हो, जिसको पसंद करना होगा ऐसे ही करेगा, नहीं करना होगा नहीं करे। और वैसे भी प्यार कभी गिर गिर नहीं करते। आप किस प्यार है ऐसी चीज़ है कि आप किसी से भीख नहीं मांग सकते कि मुझे आप इनसे मोहब्बत है तुम दे दो, नहीं। वो जब सामने वाले को फीलिंग होगी ना तभी, जब फीलिंग बे इंतहा होगी तभी वो अट्रैक्ट होगा, तभी वो आएगा आपके पास, नहीं तो वो नहीं आने वाला। ये मोहब्बत की सबसे बड़ी बात होती कि आप प्यार को भीख में नहीं मांग सकते, आपको जिससे भी रहेगा। इसलिए धैर्य रखिए हर चीज़ में, किसी से मत बोलिए कि किसी के लिए अपने आप को मत चेंज करिए। थोड़ा सा भी अपनी आदत जब चेंज हो जाता है तो उस चेंज करने में अपने को कितनी दिक्कत जाती है जब कोई चीज़ हम चेंज करते रहते हैं, तो ये तो पूरा फ्यूचर की बात है। कैसे हम किसी के लिए अपने आप को बदल दें? अगर हम अच्छे हैं तो हमको मालूम है कि हम ये जो कर रहे हैं वो सही है। लेकिन मेरी बात अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।